हेलो, दिस इज़ हैरी। वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप तो से सारे ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोया का माइक, जो कि सबसे चीप एंड बेस्ट है। उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आई होप आपको सबको बोया का माइक बहुत अच्छा लगेगा। आप भी एक बार ट्राई करिए। जो न्यू यूट्यूब पे है, जैसे मैं भी न्यू यूट्यूब पे हूँ, मुझे भी बोया का माइक किसी ने सजेस्ट किया था। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखी थी, पर मुझे इसका परफॉर्मेंस, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। तो आइए दोस्तों, हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ इसमें एक बैग आता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का बैग है ये, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लगती है मुझे तो। एक इसका ये वारंटी कार्ड है, एक इसमें इसकी बुक है हाउ टू यूज इट, इसमें कुछ लिखे हुए हैं फीचर्स, कैसे इसको यूज़ करते हैं। कुछ चाइनीज लैंग्वेज में भी है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। और ये इसकी ओरिजिनल और कॉपी की पहचान होती है। जो कॉपी का बोयो माइक आता है, उसमें सिर्फ इंग्लिश में फॉर्मेट होता है और इतने पेज की नहीं होती है वो। और उसका जो वारंटी कार्ड होता है, वो भी एक सिंगल पेज का होता है। इसमें जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल बोयो का माइक होता है, उसमें डबल पेज का इसका वारंटी कार्ड होता है। एक पेज में इंग्लिश में लिखा होता है एंड सेकेंड पेज में चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है। और तो दोस्तों, उसके बाद आता है माइक की फॉर्म, देन आती है ऑडियो जैक, देन आता है माइक का स्टैंड, उसके बाद लास्ट आइटम आती है ये सेल। देन मैं आपको इसको दिखाता हूँ। बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसका कवर होता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का। ये इसका माइक है, जो इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी फाइन है। और ये माइक का बॉक्स है, इसका एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेल हम तभी डालना है जब हम DSLR कैमरे से ये वीडियो बनाते हैं, तो ये हमें सेल का यूज़ करना है। इसमें एक सेल में भी देखोगे प्लस और माइनस का साइन होता है, और इसमें भी ऑलरेडी प्लस और माइनस का साइन होता है। जैसे प्लस का है तो एक जिस तरफ प्लस का साइन है, उसी तरफ इस ये सेल की पोजीशन को सही तरीके से डालना है। जिस तरफ नेगेटिव का, उस तरफ नेगेटिव का डालना है। तो उसको हमने सही पोजीशन पर इसका हमने सेल डाल दिया है, उसके बाद इसको ऐसे लॉक कर देना है। देन इसको हम DSLR में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हम कैमरा यूज़ करें, मोबाइल कैमरा, तो उसको नीचे रखना है। अगर हम DSLR या GoPro यूज़ करें, तो इसको बटन को हमें ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है। तो दोस्तों, आज ये मैंने मंगाया है, ये जस्ट आज शाम को ही आया है। तो इसको मैं यूज़ करके आपको वो इसकी परफॉर्मेंस बताऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रब राखा।